गाइस, ओप्पो ने अपने एक नए स्मार्टफोन ओप्पो F9 प्रो का टीजर जो है यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया है और ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो क्या इसके स्पेसिफिकेशंस होंगे और ये कब इंडिया में लॉन्च होगा और किस प्राइस रेंज के साथ आएगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वीडियो में दे दूंगा। तो इस वीडियो को आप जो अंत तक देख लीजिएगा। ये स्मार्टफोन बिल्कुल से फ्लेक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन है और ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनर प्ले को टक्कर दे सकता है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपके साथ में सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ ध्यान देता हूँ तो यहाँ पे जो गाइस इसका स्पेसिफिकेशन निकल के सामने आता है वो बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले अगर मैं इसके डिस्प्ले को देखता हूँ तो यहाँ पे आपको दिया गया है 6.3 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। अब ये है 18:9 रेशियो के साथ आता है जो कि फुल व्यू डिस्प्ले है और साथ में यहाँ पे आपको एक छोटा सा नॉच देखने को मिलेगा। ये नॉच बिल्कुल से यूनिक है, ये आपको आज के पहले किसी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो फ्रंट का जो सेल्फी कैमरा है उसके लिए ही एक कट मार्क दिया गया है। बाकी बात आपको बिल्कुल से पूरा का पूरा स्क्रीन देखने को मिल जाएगा जो कि इसकी बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल से फ्लेक्सिबल लेवल का डिजाइन है जो कि देखने में बिल्कुल से यूनिक सा लगता है। अब अगर मैं इसके बैटरी सेटअप की तरफ मूव करता हूं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 3500 mAh की बैटरी और इसके अगर प्रोसेसर सेगमेंट में मूव करता हूं तो यहां पे आपको मीडियाटेक का हेलियो P60 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 2 GHz पे रन करता है। अब अगर मैं इसके कैमरा सेटअप की तरफ मूव करता हूं, जैसा कि आपको पता है कि ओप्पो अपने कैमरा के वजह से बहुत ही फेमस होता है, तो यहां पे अगर इसके कैमरा सेटअप की तरफ ध्यान दिया जाए तो यहां पे ओप्पो ने उसे बखूबी निभाया है क्योंकि यहां पे आपको रियर साइड में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसका फर्स्ट कैमरा है वो है 16 MP का और जो सेकेंडरी कैमरा दिया गया है वो है 2 MP का। अगर इसके एपरेचर की बात की जाए तो यहां पे आपको जो एपरेचर मिलता है वो बहुत ही कमाल का मिलता है क्योंकि यहां पे एपरेचर का सपोर्ट दिया गया है 1.8 का, जिसकी मदद से आप इसमें बहुत ही अच्छी लो लाइट में भी पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हो और डेप्थ सेंसरिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बैक साइड में आपको यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और अगर इसके सेल्फी कैमरा की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे गाइस ओप्पो ने बहुत ही कमाल का काम कर दिया है क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फी में मिलता है 25 MP का कैमरा एपरेचर 2.0 के साथ में। तो सेल्फी लवर्स के लिए ये स्मार्टफोन बिल्कुल से बेस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको 25 MP का कैमरा देखने को मिल रहा है एपरेचर 2.0 के साथ में। अब अगर इसके रैम सेटअप की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। साथ में यहाँ पे आप इसमें डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए अपने इंटरनल स्टोरेज को अपग्रेड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके कुछ और भी स्पेशल फीचर्स की बात करूं तो यहां पे आपको फेस अनलॉक जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन आपका डुअल 4G सिम कार्ड को सपोर्ट करता है तो यहां पे आप एक साथ 2 Jio की सिम कार्ड यूज कर सकते हो दोनों ही वॉल्टी सर्विस के साथ में। तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल से एक कमाल का पैकेज निकल के सामने आता है। आई होप कि ये स्मार्टफोन ऑनर के प्ले स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है अगर इसका ओप्पो बहुत ही अच्छा प्राइस सेगमेंट तैयार करता है इंडिया के लिए। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन इंडिया में 31 अगस्त को लॉन्च होगा और इसका जो प्राइस सेगमेंट सोचा जा रहा है ये हो सकता है 20,000 से 22,000 के अंदर में हो। वैसे मेरा तो यही मानना है कि ये स्मार्टफोन अगर 20,000 के अंदर में आता है तो ये कड़ी टक्कर दे सकता है ऑनर प्ले जैसे स्मार्टफोन को। वैसे आपकी क्या ओपिनियन है आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मुझे तो ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि यहाँ पे कैमरा सेटअप ओप्पो की तरफ से बहुत ही कमाल का दिया गया है इस स्मार्टफोन में। तो आप अपने ओपिनियन जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोस के साथ में। जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम यहाँ पे ऐसे ही रोजाना वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोस के साथ में। जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।